पर्यटन कॉन्क्लेव में उपस्थित सभी महासेठ जी, माननीय मंत्री उद्योग विभाग, श्री इसराइल मंसूरी जी, माननीय मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, श्री कुमार सरबजीत जी, माननीय मंत्री कृषि विभाग, सचिव पर्यटन विभाग श्री अभय कुमार सिंह जी, डायलॉग रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा, तो काफी चीजें जो है पता चलती है, जानकारी मिलता है और उसी हिसाब से कंफर्ट भी सरकार और इन्वेस्टर के बीच होना चाहिए। तो इससे पहले भी हम लोगों ने काफी, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला टूरिज्म डिपार्टमेंट का, तो हम लोग यही सोचते थे बिहार में हर चीज है। आप चाहे आप रिलीजियस टूरिज्म को आप देख लीजिए या इको टूरिज्म को आप देख लीजिए, तो जरूरी है कि हम, हमारा तो पर्यटन विभाग का उस हिसाब का बजट देंगे, लेकिन हमारे आने के बाद उसको जो है डबल किया गया, तो उसको कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से क्या इसका मॉडल होगा वो सारा हम लोग तय करें। हम लोगों का ये कोशिश है कि जो आंकड़ा हम लोगों के सामने आया, बिहार में टूरिस्ट बढ़े तो हैं लेकिन ज्यादा दिन तक यहाँ रहते नहीं, तो जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये था कि हाउ टू होल्ड द
टूरिस्ट, उनको एक दो दिन के बजाय हम लंबे समय तक बिहार में हम कैसे रुकवाएं, तो उसके लिए यू नीड टू ऑफर, जो लोग आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, आपको ऑफर करना पड़ता। अब देखिए, दुबई में पहले कुछ नहीं था, रेगिस्तान था, लेकिन अब दुबई में अगर इच्छा शक्ति हो, विल पावर हो, अगर लोग ईमानदारी से काम करें तो हर चीज संभव। अब वहां क्या नहीं है, सारी चीजें, सारी चीज बनाई गई है, एवरीथिंग इज मैनमेड ओवर देयर। इतना टूरिस्ट आता है, हर चीज आता है। तो बिहार में तो आप वाटर स्पोर्ट्स की जगह देख लीजिए, जंगल है, सफारीज है, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव हिस्ट्री। पहला यूनिवर्सिटी जो है यही नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व का, यही से संचालन हुआ, यही से शुरुआत हुई। योगा जिसको कहा जाता है, जो मेरा माना कि फर्स्ट योगा स्कूल जो था मुंगेर का, लेकिन प्रचार प्रसार उस हिसाब से नहीं हो पाया। बुद्ध हो, महावीर भगवान हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, सीता माँ का जन्म स्थल, सारी चीजें। तो हम लोगों के पास तो ये सारी चीजें हैं, तो टूरिस्ट को और होल्ड करने के लिए ऑफर दिया जाए। तो इसमें काफी पॉलिसीज में आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे गोल्फ कोर्स हो, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको जो है सब्सिडीज जो है उसकी व्यवस्था करेगी, अम्यूजमेंट पार्क हो, वो सारा हम लोग जो है इस विजन के साथ चल रहे हैं, ताकि पर्यटक जो है यहाँ लंबे समय तक रुक पाए। लेकिन आप एक्सपेक्ट अगर करते हैं कि इतने पर्यटक आए, तो सबसे पहला चीज होना चाहिए कि उनकी अकोमोडेशन होनी चाहिए, उनकी रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए, और रुकने की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो एक बार नहीं दोबारा फिर से आए। इस हिसाब का माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर विशुद्ध गिव इट टू देम। तो हम लोगों की कोशिश है कि चुनिंदा जो जगह है जहां स्कोप बहुत ज्यादा है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व हो गया, वी कैन डू समथिंग इको टूरिज्म को लेकर, बोध गया, गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, ये सारे स्कोप है, उसको हम लोगों ने भी रखा है। उसमें अलग से भी आप लोगों को बेनिफिट अगर यहाँ इन्वेस्ट कीजिएगा तो देने की प्रावधान जो है वो किया जाए। और हम लोग तो चाहते हैं कि भाई इस दिशा में हम लोग आगे बढ़े, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो ये काम संभव नहीं। तो आई एक्सपेक्ट यू एंड आई इन्वाइट यू टू इन्वेस्ट इन बिहार। आप इन्वेस्ट कीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के लोगों को तो उसका फायदा होगा ही होगा, आप सबको होगा और सरकार को भी होगा, तो इसमें सबों का फायदा है। और आप लोगों की जो इच्छा, जो जरूरत है, आई कैन गिव गारंटी कि वो सब जो है हम पूरा करने का काम करेंगे, हमारी सरकार पूरा करने का काम। और इसके लिए हम तो चाह रहे कई जगह देश भर में रोड शो तो करें करें, पर बिहार का जो हिस्ट्री है, आप बताइए देश में कितने ऐसे राज हैं जहां आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें से वन ऑफ द बिहार इज देयर। तो हम लोग चाहते हैं बिहार को केवल राष्ट्र पे ही नहीं, डोमेस्टिक टूरिस्ट तो आते ही आते हैं बड़ी संख्या में, लेकिन यू शुड फोकस ऑन द इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है, वहां भी हम लोग जाकर के रोड शो करें, लोगों को बताएं बिहार के बारे में, अच्छे से मार्केटिंग करें, ये जरूरी है। तो इस दिशा में सब लोग, क्योंकि अभय जी इज वन ऑफ द यंग ऑफिसर, और उनके टीम के भी एमडी साहब भी बड़े यंग ऑफिसर हैं, सब लोग हैं, और हम भी युवा हैं, और युवाओं के साथ मजा आता है काम करने। जो सीनियर है, जो बुजुर्ग है, उसे तो सीखने को मिलता है, लेकिन साथ में जो नौजवान जब एक टीम बन जाती है तो एक उसका अलग ही मजा है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में तरक्की हो, लोगों का उत्थान हो, टूरिज्म बढ़े। अब हम लोगों ने क्या क्या नहीं लाया, अभी 1.5 साल हुए सरकार को, जो भी हम लोगों ने वादे किए थे उसको हम लोगों ने निभाने का काम किया है और कर रहे हैं।
आप देखिए स्पोर्ट्स पॉलिसी आया है, आईटी पॉलिसी आया है, टूरिज्म पॉलिसी आया है, हाथ आया हो क्या? पॉलिसी तो आया है लेकिन इम्प्लीमेंट भी हम लोग करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो बेसिक नीड है सोसाइटी का, कम से कम बिहार में क्या है, पढ़ाई है, दवाई है, कमाई है, सिंचाई है, ये सारी चीजें हैं। अब शिक्षा को लेकर के हम लोग बिहार सरकार ने नीतीश जी के नेतृत्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, जहां नौकरियां नहीं मिल रही, देश में अलग राज्यों को छोड़िए विदेशों में भी इतनी बड़ी तादाद में लगभग 70 दिनों के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा एक विभाग ने, एक डिपार्टमेंट ने टीचर्स की नियुक्ति की है, नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया, वो कहीं नहीं हुआ। डेढ़ साल में लगभग 5 लाख लोगों को हम लोगों ने रोजगार दिया, नौकरी, सरकारी नौकरी दिया, तो एक इतनी बड़ी बात है। और यही नहीं बल्कि हर दिशा में हम लोग जो है काम कर रहे, कृषि रोड मैप जो है वो चल रहा है, अभी इन्वेस्टर मीट हुआ था इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, तो उसमें 50,000 करोड़ का MOU इन्वेस्टमेंट का जो है वो MOU हुआ है। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि देश भर में इंडस्ट्री भी आए, एग्रीकल्चर की व्यवस्था भी अच्छी हो, नौजवानों को सरकारी नौकरी भी मिले और रोजगार की व्यवस्था। अगर टूरिज्म को हम देखते, टूरिज्म ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर आप अच्छे से सजा करके बड़े ढंग से अगर इन्वेस्ट कीजिएगा तो बिहार का नाम, परसेप्शन तो बदलेगा ही बदलेगा, साथ में देश का भी बदलेगा। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उसमें रोजगार की भी जो है काफी व्यवस्था होगी, और बिहार का पैसा आएगा यहाँ खर्च होगा तो बिहार को भी एक रेवेन्यू जो है वो भी जनरेट होगा। हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर खर्च करते हैं, लेकिन अब हम लोगों की कोशिश है कि बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। जो पैसा खर्च करना है स्टेट के लोग हैं या बाहर से आए, तो लोग ज्यादा खर्च जो है बिहार में करें ताकि लोगों का तरक्की हो। तो इस दिशा में हम सब लोग जो है काम कर रहे हैं। लेकिन अभी सरबजीत जी ने और सभी लोगों ने बात को अपना रखा कि जिस हिसाब से सहयोग चाहिए उस हिसाब से मिलता नहीं है। हम तो कोई उम्मीद ही नहीं करते हैं किसी से सहयोग। अब तक बिहार सरकार ने जो काम किया है अपने बलबूते कर रहा है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, बट आप लोगों से हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग ही अगर अपना इच्छा जताइएगा तो काफी जो है सुधार इस गरीब राज्य को फायदा जो है वो पहुंचेगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। ये एक्सपेक्टेशन से आप लोगों के प्रति तो ज्यादा कुछ हम ना कहेंगे, लेकिन अभी तो तरह तरह की चर्चा चल रही है कि भाई लक्षद्वीप का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हम तो चाहते हैं, यहाँ आप देखिएगा दुर्गावती डैम में चक्कर डैम है, हम लोग तो चाहते हैं उस डैम में भी, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसी सरकार ने काफी जो है डैम में ही जो है विलास बना रखे, जैसे सिमिलर लाइक मालदीव हो या लक्षद्वीप उस टाइम के बीच। तो हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ भी जो है एक ऐसी व्यवस्था हो ताकि इको टूरिज्म को लेते हुए वाटर स्पोर्ट्स की व्यवस्था भी वहाँ हो। तो इसमें हम लोग सब लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो या आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, हम लोग काम कर रहे हैं इसमें, या आपका वो फोर्ट जो है आपका रोहतासगढ़ फोर्ट और टेबल टॉप पे हम तो एक बार हेलीकॉप्टर से आ रहे थे, देख रहे थे इतना सुंदर इलाका है और उस इलाके में इतना सारा नेचुरल वाटरफॉल है और वो एकदम टेबल टॉप पे कैंपिंग, रैंपिंग, ट्रैकिंग की भी व्यवस्था जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है की जा सकती है। तो विजन में सब कुछ है, लेकिन हम लोग को अपना रिसोर्सेज भी देखना पड़ता है उसी हिसाब से। अब हम लोग तो यही तय करें कि भाई प्राइमरी जो है 2-4 जगह जो है घूम करके वहां हम लोग अच्छे से अगर इन्वेस्ट करें तो उसका रिजल्ट भी जो है दिखेगा, ना कि छोटे छोटे बहुत सारी जगह थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है हम लोग खर्च करें। तो ये सारे पहलुओं पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो ज्यादा समय ना लेते हैं, आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों को टूरिज्म पॉलिसी जो है वो पसंद आया होगा और इसका आप लोग बेनिफिट उठाने का काम करेंगे। और आगे इन कमिंग फ्यूचर
आई ऑल्सो वॉन्ट की अगर आपको इफ यू टू गिव एनी फीडबैक सजेशन तो यू कैन राइट इट डाउन, ईमेल आप भेज सकते हैं आपके अभय जी को, ही विल लुक थ्रू इट एंड इफ समथिंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दैट वी कैन डू इट देन वी विल डेफिनेटली लुक बैक टू दैट सजेशन। तो आप सब लोगों को फिर से धन्यवाद, आप सब लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत।